ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੇ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਰਗਲਾਨੇ ਕਾ, ਉਨਕੀ ਆਂਖ ਮੇਂ ਧੂਲ ਝੋਕਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਮੇਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਕੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬਸੇ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਸਬਸੇ ਇਨਕੋਂਪੀਟੈਂਟ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਨਕੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਨਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲੋਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਕਾ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਮੇਂ, ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਸਬਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਲੂਟ ਕਰ 4.5 ਸਾਲ। ਅਬ ਚੁਣਾਵੋਂ ਸੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਨਕੀ ਆਂਖ ਮੇਂ ਧੂਲ ਝੋਕਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯੇ ਬਾਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇਸ ਵੀ ਯੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਆਗੇ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੇ ਬਸ ਏਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰ 2022 ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬਨਾਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਵਾਅਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਮਸੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਖ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ ਔਰ ਉਨਕੋ ਲਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇ ਅਬ ਕੁਛ ਝੂਠੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਏ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਪੇ ਉਨਕੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ इस समय देश में कई राज्यों में सरकार चला रही है और सारे राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सबसे महंगी बिजली मिलती है। राजस्थान में महंगी बिजली मिलती है, छत्तीसगढ़ में महंगी बिजली मिलती है, महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस एक अलायंस पार्टनर है वहां महंगी बिजली मिलती है और पंजाब में खूब महंगी बिजली मिलती है। पंजाब बिजली सरप्लस सूबा होने के बाद भी सबसे ज्यादा महंगे रेटों पे अपनी आबादी को, अपने लोगों को बिजली देता है। तो अगर कांग्रेस के विजन में, कांग्रेस पार्टी के विजन में यह होता कि हमें बिजली सस्ती करनी है तो कांग्रेस पार्टी सारे राज्यों में करती, जिन राज्यों में इलेक्शंस नहीं आ रहे हैं उन राज्यों में भी बिजली सस्ती करती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर बिजली की दरों को कम नहीं किया, वहां पर बिजली खूब महंगी मिल रही है, ताबड़तोड़ रेट पे मिल रही है, लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है बिजली की, रेट के टैरिफ के चलते लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। लेकिन पंजाब में, क्योंकि पंजाब में फरवरी के महीने में इलेक्शन या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा तो मात्र कुछ ही महीनों के लिए एक चुनावी स्टंट, एक चुनावी जुमला चन्नी साहब ने छोड़ा है बिजली सस्ती करने का। मेरा दूसरा पॉइंट, चन्नी साहब द्वारा, ड्रामेबाज चन्नी साहब द्वारा की गई अनाउंसमेंट सिर्फ एक चुनावी स्टंट और जुमला है और जो भी उन्होंने बिजली की दरों में कटौती दी है वो सिर्फ 31 मार्च 2022 तक के लिए है, यानी कि सिर्फ
पांच महीनों के लिए चन्नी साहब ने ये बिजली की दरों में कटौती पंजाब की जनता को दी है कि पांच महीने उनको सस्ती बिजली देकर उनकी आंखों में धूल डालकर उनके वोट लेने की कोशिश करें और 31 मार्च 2022 को ये चुनावी स्टंट पूरा हो जाएगा और ये बिजली की जो दरें में कटौती जो एक सब्सिडी देकर दी जा रही है वो समाप्त हो जाएंगी। तो मैं पंजाब की जनता को आगाह करना चाहता हूं, उन्हें होशियार करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि ड्रामेबाज चन्नी साहब के धोखे और उनके चुनावी स्टंट चुनावी जुमलों से हमने बचना है। ये 31 मार्च 2022 तक सिर्फ चन्नी साहब पांच महीने के लिए सिर्फ बिजली की दरों में कटौती कर रहे हैं क्योंकि वो आपका वोट खरीदना चाहते हैं, वो आपकी आंखों में धूल डालकर 4.5 साल की अपनी भ्रष्ट लूट और निकम्मी सरकार का जो दाग है वो मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं और पांच महीने के लिए सिर्फ आपको सस्ती बिजली देकर आपका वोट खरीदना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के विजन में, उनके ऑब्जेक्टिव में, उनके मकसद में बिजली सस्ता करना होता तो राजस्थान जहां सबसे महंगी बिजली मिलती है वहां पर भी बिजली सस्ती करते, क्योंकि वहां इलेक्शंस नहीं आ रहे तो वहां बिजली सस्ती नहीं करी गई। अगर कांग्रेस के विजन में होता तो छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बिजली सस्ती करते, जहां सबसे महंगी बिजली मिलती, पर क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं आ रहे तो वहां बिजली सस्ती नहीं करी गई। महाराष्ट्र जहां भी कांग्रेस की सरकार है बहुत महंगी बिजली मिलती है महाराष्ट्र में, वहां पर बिजली की दरें सस्ती नहीं करी जा रही क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं आ रहे, वहां पर इलेक्शन नहीं है। लेकिन पंजाब जहां पर केजरीवाल साहब ने जाकर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा नहीं गारंटी लोगों को दे दी, वहां पर चुनाव से 3 महीने पहले चन्नी साहब ड्रामेबाज मुख्यमंत्री ये वादा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। मैं ये साफ कर दूं कि 4.5 साल एक लूट और निकम्मेपन की सरकार चलाने के बाद जब लोगों ने कांग्रेस नामक जहाज को बदलने का मन बना लिया है, वो जहाज जो डूबती टाइटैनिक बन चुका है, आइसबर्ग से भी टकरा चुका है, अब छोटे मोटे रिपेयर से ये नैया ये शिप डूबने से आप नहीं बचा सकते चन्नी साहब। और मैं एक और चीज कह दूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी साहब ड्रामे करते हैं रोज, केवल कैमरे पे अच्छी तस्वीरें खिंचवाने का उनको शौक है, रोज कई दर्जनों कैमरों के साथ वो कहीं पहुंच जाते हैं, बढ़िया सी अपना फोटो वीडियो बनवाते हैं, अपनी पिक्चर बनवाते हैं और उसी से खुश हो जाते हैं। ये चीजें करकर चुनाव नहीं लड़े जाते, ये चीजें करकर चुनाव नहीं जीते जाते ड्रामेबाज चन्नी साहब, लोगों के लिए काम करना पड़ता है, लोगों की जिंदगी आसान करनी पड़ती है।